2022 का आज आखिरी दिन है नया साल मनाने के लिए। कोने कोने से लोग पटना आ रहे हैं। हम इस वक्त पटना रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। यहाँ पे यात्रियों की भारी भीड़ है, आप देखिए। लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार का गाइडलाइन है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन यहाँ पे गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है। अधिकतर लोग बिना मास्क के यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इक्का दुक्का लोग को छोड़ दें तो ज्यादातर बिना मास्क के हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। और जिन लोगों को इन गाइडलाइंस का पालन कराना है, वो पुलिस वाले भी यहाँ से गायब हैं। आप देखिए, लोग सावधान होने को तैयार नहीं है। भैया कहीं ट्रेवल कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हमको जाना है रघुनाथपुर स्टेशन। अच्छा, कोरोना आ रहा है, मास्क पहनने के लिए कहा गया, आप मास्क पहने हुए नहीं है, पहनना चाहिए ना? तो अभी तो उतना सर ठीक है, मास्क पहनना चाहिए, बाकी वास्तव में हम लोग का पता नहीं था। हम लोग थोड़ा देहात ले विलम्ब करते हैं, अब हमको पता हो गया तो अब पहनेंगे, जरूर पहनिए। और भी लोग हमारे साथ हैं। भैया कहाँ जाना है? नहीं जाना है। अच्छा, मास्क कहाँ, आप रेलवे स्टेशन पे बिना मास्क के घूम रहे हैं? गमछी है ना, गमछी है तो मुंह माथा पे रखने के लिए कि बांधने के लिए? लग गया। आप देखिए, लोग इस तरह जिम्मेदारी अपना समझ नहीं रहे, इन लोगों को सावधान रहना चाहिए। जितने तर लोग हैं यहाँ पे आपको बिना मास्क के नजर आएंगे, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है रेलवे स्टेशन पे नहीं हो रहा। आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखिए यात्रियों की खचाखच यहाँ पे भीड़ है। लोग अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, कई लोग आए भी हैं, लेकिन सावधानी यहाँ पे कोई नहीं बरत रहा है। हमारे साथ एक युवा है, बाबू कहाँ जाना है? जाना है गया जिला में। गया जाना है, कोरोना आ रहा है मालूम है ना? जी कोरोना। तो मास्क पहनने के लिए कहा गया, मास्क कहाँ है आपका? जी अभी तो नहीं, फिलहाल लेंगे जाकर के। लेना चाहिए ना, आप खुद भी सावधान रहिए, दूसरों को भी बचाइए। जी सावधान तो रहेंगे सर। देखिए, एबीपी न्यूज लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क पहनिए, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। तो ये स्थिति जो है वो पटना जंक्शन की है, जहाँ पे गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।